नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक इच्छा जताई है, पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो उन्हें जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अब वो जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे, राज्यपाल पद को नहीं संभालेंगे। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने इससे पहले भी कई बातों मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन जिस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी ये कह रहे हैं कि वो राजनीति से अब खुद को अलग रखना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्हें काम दिया गया है उससे अलग रखना चाहते हैं, ऐसा क्यों कहा भगत सिंह कोश्यारी ने, इस पर लगातार बात करेंगे। और भगत सिंह कोश्यारी क्या महाराष्ट्र में राज्यपाल पद पर रहते खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे? दरअसल इस वक्त की जो खबर सामने आई है वो ये है कि लगातार भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत, विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने जिस जिस तरीके के आरोप लगाए या जिस जिस तरीके से निशाना साधा है उसके बाद माना जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी जो है अब वो न सिर्फ राज्यपाल पद बल्कि राजनीति से अलग हटना चाहते हैं। हालांकि कई वक्त पहले पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई भी थी और भगत सिंह कोश्यारी ने जो इच्छा जताई है इससे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अब महाराष्ट्र को नया राज्यपाल कौन मिलेगा, किसे नए राज्यपाल के तौर पर बिठाया जाएगा, क्या बीजेपी की तरफ से होगा या और कोई बड़ा जो है नेता या अंदर के कोई बड़े मंत्री हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए देखिए महाराष्ट्र में लगातार चुनौती बढ़ रही है। जब से हम देख रहे हैं कि नई सरकार बनी है, गठजोड़ करके सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के बीच में लगा रहता है और अभी एक वक्त में तस्वीर सामने आई थी कि जब गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे तब किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को उस तरफ किया और खुद उनके नज़दीक में आए। तो ये चीज़ें बता कि महाराष्ट्र में जो जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है क्या ये जोड़ तोड़ वाली सरकार ज्यादा समय तक चल भी पाएगी या फिर वक्त रहते इस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का कब्जा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।